फ्रेंड वेलकम टू नॉलेज आईक्यू। अभिषेक आप सभी का स्वागत है नॉलेज आईक्यू की लेटेस्ट अपडेट में। और आज की हमारी अपडेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर आपकी यहाँ पर काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं, जिसमें आपकी जो पोस्ट है वो स्टाइपेंड ट्रेनिंग की आपकी यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर आप डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए काफ़ी सारी पोस्ट आई हैं डिफरेंट ब्रांचेस के लेकर, जिसके लिए मैं रिगार्डिंग यहाँ पर आपके लिए नोटिफिकेशन की पूरी पीडीएफ लेके आया हूँ और आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका क्राइटेरिया रहता है, इसमें किस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या इसका इंटरव्यू होता है या फिर इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट्स होते हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर हम लोग आपके साथ कवर करने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दो कैटेगरी के अंदर यहाँ पर पोस्ट आई है और पोस्ट आपके यहाँ पर जो है वो तारापुर कल्पक्कम पीआरपीडी और कल्पक्कम के अंदर आपकी यहाँ पे पोस्ट आई हुई है, जिसके अंदर आपकी नंबर ऑफ पोस्ट टोटल 71 आपकी यहाँ पे पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व यानी यूआर की 27, ईडब्ल्यूएस की 8, ओबीसी की 18, एससी की 18, एसटी की 7 और पीडब्ल्यूडी की 1 यानी एक पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। तो आइए हम देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पर कितना क्या मांगा गया है। तो देखिए केमिकल केमिस्ट्री सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर आपकी यहाँ पर जो है पूरी पोस्ट है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट दी गई हैं। इन सभी में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। यदि आपके पास डिप्लोमा है केमिकल केमिस्ट्री सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और मैकेनिकल के अंदर, तो यहाँ पर आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा हुआ है, एक्वायर्ड डिप्लोमा 3 ईयर्स आफ्टर एसएससी और 2 ईयर्स आफ्टर एचएससी, यानी आपने 12th के बाद अगर डिप्लोमा कर रखा है तो 2 साल का भी आपके पास अगर डिप्लोमा है तो यहाँ पर आप बिल्कुल एलिजिबल हैं। कोई भी आपके लिए इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपके 60% डिप्लोमा के अंदर मार्क्स होने चाहिए। इसी तरीके से देखते हैं स्टाइपेंड ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड, यानी ये आईटीआई लेवल की पोस्ट है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं 189 पोस्ट है, जिसमें अनरिजर्व की 118, ईडब्ल्यूएस की 14, ओबीसी की 33, एससी की 23, पीडब्ल्यूडी की 1 सीट है। और यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो एसी मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक फिटर इंस्ट्रूमेंटरी मैकेनिक मशीनिस्ट ट्यूनर वेल्डर ड्राफ्टमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट प्लांट ऑपरेटर, इन सबके में अगर आपके पास आईटीआई करा हुआ है आपने 60% मार्क्स के साथ, एनसीबीटी से आपका सर्टिफिकेट अप्रूव्ड है, तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ। आईटीआई आपका इन सब ट्रेड में अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग ट्रेड में अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी दे रखी है, जैसे यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी पीडब्ल्यूडी टोटल की यहाँ पर अलग अलग वैकेंसी दे रखी है, जो कि आप लोग अपने हिसाब से देख लें। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपकी एज। तो देखिए यहाँ पर स्टाइपेंड ट्रेनिंग की एज यहाँ पर रखी गई है मैक्सिमम 24 साल यहाँ पर एज रखी गई है। इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी टी आईडी वालों के लिए 22 साल यहाँ पर मैक्सिमम एज रखी गई है, 18 से 22 साल। तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं, तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट हैं जिनको भी मतलब रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के रिजर्वेशन रूल्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनका रखा गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं, हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपका और मिनिमम हाइट देख सकते हैं 45.5 kg आपका होना चाहिए। टोटल ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग आपका 2 साल का यहाँ पे ट्रेनिंग रहेगा, उसके बाद आपको लेवल 7 यानी 44,900 का आपका जो है बेसिक आपका पे हो जाएगा। उसको अगर आप ऐड करेंगे तो करीब आपकी 60 से 65 हज़ार रुपये सैलरी, 50 से 60 हज़ार के बीच आपकी सैलरी आराम से बन जाएगी। तो स्टाइपेंड ड्यूरिंग ट्रेनिंग आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर 16, सेकेंड ईयर 18,000, उसी तरीके से कैटेगरी 2 में 10,500 से और 12,500 यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्शन मेथड क्या रहेगा, तो कैटेगरी 1 के लिए देख सकते हैं रिटन एग्जामिनेशन ऑफ 1 आवर ड्यूरेशन विल बी कंडक्टेड एंड विल कंप्राइज 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 3 मार्क्स ईच करेक्ट आंसर, 1 मार्क विल रिक्वायर ईच करेक्ट आंसर, यानी आपका देखिए 1 घंटे में 40 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे और जिसमें आपका एक जो है नंबर काटा जाएगा एक गलत ऑप्शन के। तो देखिए सिलेबस फॉर द सेड एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्ट एट डिप्लोमा बीएससी लेवल एंड केस में भी डिप्लोमा और बीएससी लेवल का यहाँ पे आपका रहेगा और जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइड करेंगे उनका इंटरव्यू यहाँ पे किया जाएगा। अब देखिए कैटेगरी सेकंड के लिए देखिए जो आपका फाइनल इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इंटरव्यू अलोन, यानी आप कितने भी मार्क्स अगर आपने उसमें रिटर्न में ले आए लेकिन अगर आपका इंटरव्यू में अच्छा नहीं होगा तो आपको इंटरव्यू पर यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर अच्छा इंटरव्यू करेंगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। कैटेगरी सेकंड के अंदर देख सकते हैं द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेज, 3 स्टेज में आपका आईटीआई वालों का होगा, जिसके अंदर आपकी पहली स्टेज में आप देख सकते हैं आपका 50 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पेपर होगा, जिसमें आपका मैथमेटिक्स साइंस और जनरल अवेयरनेस 20-20-10 क्वेश्चन की आएगी, जिसमें आपका 3 मार्क्स एक क्वेश्चन का मिलेगा और एक गलत करने पर 1 निगेटिव आपका कटेगा। और ऑल कैंडिडेट जो भी होगा आपका 40% आपका मिनिमम मार्क्स रहेगा जनरल के लिए, 30% कैटेगरीज के लिए। और देख सकते हैं स्टेज 2 में यहाँ पर देख सकते हैं एडवांस टेस्ट होगा, जो कि एडवांस टेस्ट में आप देख सकते हैं ऑल कैंडिडेट स्क्रीन स्टेज 1 विल बी अलॉट टू स्टेज 2, यानी जो भी स्टेज 1 में पास होंगे वो स्टेज 2 में जाएंगे, जिसमें आपका जो टेस्ट होगा 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 2 घंटे का आपका टेस्ट होगा,
3 नंबर एक क्वेश्चन का मिलेगा और 1 मार्क्स आपका डिडक्ट किया जाएगा रॉन्ग मार्क का। 30% मार्क्स आपके जो है जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम है और 20% मार्क्स आपके अदर कैटेगरी के लिए आपको लाने होंगे इस टेस्ट को पास करने के लिए। और देखिए, मेरिट लिस्ट कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर सेकंड स्टेज बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन सेकंड स्टेज ओनली। यानी आपकी जो मेरिट बनेगी वो केवल सेकंड पेपर के बेस पे यहाँ पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी, यानी फर्स्ट पेपर के से मेरिट आपकी नहीं बनेगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं, कैंडिडेट विथ लोअर निगेटिव मार्क्स इन स्टेज टू प्लेस हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। जिसके सबसे कम निगेटिव मार्क होंगे उन्हें मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। आगे देख सकते हैं, आगे अगर हम देखेंगे तो फिर स्किल टेस्ट होगा। जो स्किल टेस्ट आपका आपके ट्रेड से रिलेटेड स्किल टेस्ट वहाँ पे कराया जाएगा। स्किल टेस्ट आपको यहाँ पे क्वालिफाइड इन नेचर होगा, यानी आपका स्किल टेस्ट आप देख सकते हैं, जो भी स्टूडेंट होगा स्किल टेस्ट कराया जाएगा, जो भी सेकेंड स्टेज टू क्वालिफाइड होगा। और उसके बाद आपका यहाँ पर जो है स्किल टेस्ट के बाद आपका फाइनल लिस्ट बनेगी और आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा मेरिट के बेस पे। उसके बाद आपका यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाएगी, जो मैंने बताया तारापुर, कलपक्कम और PRD सेंटर पर आपका यहाँ पर ट्रेनिंग कराई जाएगी। अब यहाँ देख सकते हैं क्या आपको मतलब आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद पैसा मिलेगा, मेन चीज़ इंपॉर्टेंट। तो देखिए, कैटेगरी 1 यानी डिप्लोमा वाली, कैटेगरी 2 ITI वाली, इसमें आप लोग देख सकते हैं लेवल 7, लेवल 3, लेवल 4। लेवल 7 में एंट्री पे 44,900 होती है। उसके बाद उस पर आपको DA, HRA, TA, VA सारी चीज़ें मिला के अगर आप लोग देखेंगे तो अप्रॉक्स 60,000 के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पे बनेगी। कैटेगरी 2 के लिए यहाँ पर आपका जो है 21,700, 25,500 बेसिक पे है। अगर टोटल इनका देखेंगे तो आप अप्रॉक्स 35,000 रुपये के आसपास आपकी दोनों कैटेगरी के अंदर आसपास सैलरी आपकी यहाँ पे बनती नजर आएगी। बाकी आपको देख सकते हैं अदर जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं बार की, वो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। जो भी जैसे कि आपका NPS वगैरह डिडक्शन होगा, आपका ट्रैवल अलाउंस होगा, आपका DAT, सब चीज़ आपकी यहाँ पर आपको यहाँ पे मतलब यहाँ पर मिलेंगी। बाकी देखिए, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे सेलेक्ट होगा उसे एक बॉन्ड 3 साल का जो है बॉन्ड फिल करना पड़ेगा, यानी 3 साल तक वो यहाँ पर जॉब को नहीं छोड़ सकता है। आप देख सकते हैं नेचर ऑफ ड्यूटी आपका यहाँ पे, जो भी आपका प्लांट में काम करेंगे उनकी अलग अलग ड्यूटी होगी। जैसे कि अगर आप लोग केमिकल, केमिस्ट्री, सिविल, मैकेनिकल है तो उनकी इधर रखिए कि आपको किस मतलब आपको कहाँ पर आपको यहाँ पर जॉब करनी है। वो आपको ट्रेनिंग जब करेंगे तो आपको बताया जाएगा। इसी तरीके से कैटेगरी 2 में भी आपका बताया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दे रखा है कि आपके लिए, और देखिए कुछ है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर आल्सो इनवाइटेड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन NRB। ये कुछ अलग पोस्ट है जिसमें आपका यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 6 पोस्ट है इसके लिए यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आपके पास यहाँ पर देखिए 1 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके पास है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए पहली पोस्ट में, और सेकेंड में भी आप देख सकते हैं आपके पास 2 ईयर्स का ड्यूरेशन का NTC ITI पास होना चाहिए। थर्ड का भी देख सकते हैं आपके पास, यहाँ देखिए कुछ स्पेशल है इसके अंदर, आपके पास कुछ स्पेशल आपके पास होना चाहिए तभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे 1 साल का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा वगैरह। इसी तरीके से देख सकते हैं एज लिमिट आपका इसकी थोड़ी सी बढ़ा के रखी गई है। इसमें जो DR1 की एज लिमिट है वो 30 साल और DR2 और DR3 की एज लिमिट 25 साल यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पर भी देखिए सेम आपकी जो पोस्ट रहेगी, ये ऊपर जो पोस्ट है उनका थोड़ा सा बेसिक पे लेवल 6, लेवल 3, लेवल 3 का रहने वाला, यानी 35,400 आपका बेसिक रहेगा, 4200 ग्रेड पे रहेगा, और बाकी का लेवल 3 का देखिए 21,700 आपका यहाँ पे रहने वाला है। नेचर ऑफ ड्यूटी भी आपका मेंटेनेंस वगैरह में, अरेंजमेंट में, जो भी कंपनी का प्लांट होता है उनसे रिलेटेड आपका रहेगा। अब यहाँ पे देखिए अप्लाई करने के लिए सेम आपको यहाँ पर ऑफिशियल साइट पे जाकर आपको कर देना है। 30 अप्रैल को यहाँ पे आपका फॉर्म क्लोज हो जाएगा और एप्लीकेशन की फ़ी देख सकते हैं आपकी 150 और 100 रुपये यहाँ पर रखी गई है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो फिर जनरल कंडीशन जो भी आपकी है कि आप लोग जो है जो भी डॉक्यूमेंट लगाएं बिल्कुल ठीक लगाएं, वेटिंग लिस्ट ओनली इन केस ऑफ मेन लिस्ट। अगर मान लीजिए मेन लिस्ट में कैंडिडेट पूरे नहीं होते तो वेटिंग लिस्ट वगैरह बना देंगे। इस तरीके से सारे आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आपको सर्टिफिकेट कॉपी के, इंटरव्यू लेटर वगैरह आपको सब मिल जाएगा। मेल के थ्रू सारा आपके साथ कम्युनिकेशन होगा, सारे जो भी सर्टिफिकेट है उनका यहाँ पर आपको PDF बना के रखनी पड़ेगी अपने पास। जैसे कि आपके पास OBC, EWS का अपने आप पूरा अप्लाई करने से पहले बनवा लेना। यही सारी चीज़ इंपॉर्टेंट जनरल इंस्ट्रक्शन के अंदर बनाई जाती है। बाकी आप लोग खुद भी जनरल इंस्ट्रक्शन को अपने हिसाब से पूरा पढ़ लें ताकि आप लोग को कोई भी फॉर्म को अप्लाई करने के बाद कोई भी आप लोग को दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने डिटेल में बार्क का जो आपका स्टेपन टेनी का जो डिप्लोमा और ITI लेवल का यहाँ पे आया है उसकी पूरी डिटेल में वीडियो बना दी है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन करें Knowledge IQ, जहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब से अपडेट मिलेगी और बहुत सारे आपको एग्जाम से प्रिपरेशन की टिप्स भी रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।